जानते हैं आपके विधायक कौन है? हाँ जी, माननीय महेंद्र गोयल जी। जो केजरीवाल सरकार दिल्ली में बिजली और पानी के फ्री कर रही है, इसमें आपकी क्या राय है? सब खुश हो नहीं हो? बिल्कुल ही बढ़िया है, सबका मतलब बिल लगभग जीरो के बराबर आता है। लोग कहते हैं कि जी NDPL लॉस में जाता है, मुझे तो नहीं लगता लॉस में जाता है। प्रॉफिट मतलब इतना सब कुछ फ्री करने के बाद भी प्रॉफिट दिखाता है। पहले कहते जी लॉस है, मैं पूछता हूँ कहाँ है लॉस। अच्छा, जो महिला के लिए यात्रा फ्री हुई है बसों में, उसमें आपकी क्या राय है? नहीं, बढ़िया है। जो घर से नहीं जा सकते, जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए बढ़िया है, वो जाते हैं यात्रा पे। और उनके साथ एक पर्सन जो है यंग, वो फ्री, उसके साथ वो भी फ्री दे रखा है, नहीं तो जो बुजुर्ग होगा वो कैसे जाएगा अकेला। और आपके यहाँ के एरिया में कुछ आपके विधायक जी ने ऐसे काम कराया जिससे सबसे ज़्यादा खुश हो? हाँ, लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें वगैरह हैं। पहले तो कुछ जलती थी, कुछ नहीं जलती थी, आजकल प्रॉपर जलती हैं और खांचे वगैरह का सही तरीके से बन गए हैं। पहले टूटे हुए पड़े रहते थे, कुछ बन गए हैं, कुछ अभी और बनेंगे, ठीक है। और 2020 जो आ रहा है उसमें इलेक्शंस आ रहे हैं। हाँ जी, तो उसमें आप अपना वोट किसे देंगे? हम केजरीवाल को ही देंगे। रोनी छत्रपांग। अच्छा, आप जानते हैं आपके विधायक कौन है? महेंद्र गोयल जी हैं। आपके विधायक ने आपके एरिया में कुछ ऐसा काम कराया जिससे आप सबसे ज्यादा खुश हो? उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। एक तो हमारे पानी गंदा आ रहा था, एक से लेकर छह पॉकेट तक उन्होंने सारी सीवर लाइन पाइप लाइन नहीं डाल दी है, सीवर की सफाई करा दी है और लाइटें लगवा दी हैं, पार्कों की सफाई करा दी है। बहुत बढ़िया काम करा है। जब भी जूस पर दी महेंद्र गोयल जी को एक फोन करो और हमारे सुनते हैं। जो मंत्री नहीं कर सकता कोई, जो पहला काम किया, कोई भी किसी के रोड पर एक्सीडेंट होता है, जो अपना इलाज नहीं करा सकता, किसी भी प्राइवेट बड़े से बड़े अस्पताल से अपना इलाज कराए, उससे कोई पैसा नहीं लेगा और उसका बिल केजरीवाल लेगा। इसलिए उस आदमी की जान बच जाती है। पहले क्या होता था, जब आदमी थाने एक्सीडेंट होता था, हॉस्पिटल पहुंचता था, पहले पुलिस आती थी, कार्रवाई करती थी, तब तक आदमी सीरियस होता तो उसकी मौत हो जाती थी। जब से इसने प्लान शुरू किया, बहुत आदमियों की जान बच गई है। और जिसको जो एक्सीडेंट वाले को बचाता है, उसको भी गवर्नमेंट 2-3 हज़ार रुपये उसका शुक्राना करके ले देती है कि तूने एक आदमी को टाइम से उसको हॉस्पिटल पहुँचा के उसकी जान बचा दी है। अब इलेक्शन आएंगे तो आप 2020 में, हाँ जी, इसमें आप किसे वोट देंगे? हम ही केजरीवाल जी को देंगे।